सो व्हाट्सअप लवली पीपल, वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, देखिए आज मौसम भी है बहुत ज़्यादा सुहावना। ये देखिए पहाड़ों में ठंड हो चुकी है, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। एक दो बारिश के कारण ही ठंड का कहर काफ़ी बढ़ चुका है। और हम आए हैं अभी अपने घर के थोड़े से ऊपर। ये देखिए गाइज, ये है नीचे हमारी हॉर्टिकल्चर कॉलोनी। सो गाइज ये देखिए पीछे कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और अभी हम आपको लेके चलेंगे थोड़ा सा आगे। ये देखिए, तो दोस्तों ये है कांगी, ये देखिए है ना। और अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ कापुल तोड़ने। तो गाइज आपको दिखाते हैं कापुल का पेड़। और दोस्तों ये है कांगी और मैं जा रहा हूँ अभी कापुल तोड़ने। और मैं इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ से नीचे। ये देखिए रास्ता कितना खतरनाक है यहाँ पे। ओ नो। और हम यहाँ पे कापुल के पेड़ के सामने आ चुके हैं, लेकिन कापुल कल की बारिश से पूरे झड़ चुके हैं। ये देखिए पूरा पेड़ खाली हो गया है। ये देखिए गाइस, पूरा का पूरा पेड़ खाली हो चुका है, बारिश से झड़ चुके हैं पूरे कापुल। सुखा की क्या होगा, तो चले आगे। तो गाइस अब लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा और आगे, और भी पेड़ दिखाते हैं। अगर किसी में मिल जाते हैं तो कापुल हम खाएंगे और टेस्ट आप लेना। हम एक पेड़ के सामने पहुंच चुके हैं, इसमें बहुत ही कम कापुल लगे हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बस यही है भाई, ऐसी दो चार दो तीन जगह में लगे हुए हैं, तो हम इनको अभी तोड़ते हैं। सो गाइस तब तक के लिए मैं वीडियो को करता हूँ थोड़ा सा पॉज। और दोस्तों हम कापुल खा के आ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम यहाँ चढ़ाई में। अभी हमने जाना है ऊपर उस वाली चोटी में, और फिर उसके बाद जाएंगे हम वहाँ से टाउन, और टाउन में है हमारा घर। सो गाइस लेके चलते हैं आपको आगे। ये देखिए, गाइस हम काफ़ी थक चुके हैं। और ये देखिए पीछे का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए चीड़ के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ों के पत्ते आजकल गिरे होते हैं। ये देखिए स्थानीय भाषा में इसे पिरुल कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही फिसलनदार होता है। अगर आप इसमें तेजी से दौड़ रहे हो तो आप इसमें गिर सकते हो। और अगर ये रोड में गिरा हुआ है, आपकी बाइक अगर इसके ऊपर चली जाती है और आप ब्रेक ले लेते हो, तो तब भी आप गिर सकते हो। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। सो गाइस अब आपको लेके चलते हैं नीचे घर की तरफ। ये है देखिए छूती बोलते हैं इसको। ये देखिए, और इसके अंदर होते हैं बीज। वो बीज जब पेड़ से नीचे गिरते हैं तो तब होते हैं ये चीड़ के पेड़। ये है चीड़ का फल, इसको छींती बोलते हैं। तो दोस्तों हम जंगल से आने के बाद अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए आगे। तो हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों ये है हमारी क्लासिक 350, और ये है अपनी दूसरी बाइक हॉर्नेट 160 CB160R। तो अभी हम जा रहे हैं इससे, और थोड़ा सा ही हम आगे जाएंगे उसके बाद। तो गाइज बाइक को कर लिया हमने लॉक, और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे है, यहाँ से नीचे है आशीष जी के गांव का रास्ता। और अभी हम सिर्फ ऐसे घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठंड काफ़ी हो रही थी, घर पे बोरियत आ रही थी, तो हमने कहा थोड़ा सा घूम के आते हैं। सो गाइज मेरे साथ आज है हिमांशु, इसको भी काफ़ी टाइम बाद ऐसा मौका मिला घूमने का, नहीं तो ये भी बिल्कुल बंधा हुआ रहता है अपनी जॉब पे। सो गाइज अब हम चल रहे हैं आगे। ये देखिए गाइस कितना मस्त हो रखा है आज मौसम। और यहाँ तो बिल्कुल आप बिना जैकेट के बाइक से तो निकल ही नहीं सकते, इतनी भयंकर ठंड है यहाँ पे। अगर बाई चांस आप एक हाफ टी शर्ट में अगर यहाँ से निकलते हो तो हालत ऐसी हो जाती है कि बाद में घर पे आके आपको फीवर आ सकता है, और कोल्ड भी हो सकता है। ये देखिए
बोल भाई, कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं भाई जी। अरे बोल ले बोल ले, शर्मा क्यों रहा है? अरे बोल ले, लड़कियों के बारे में बता दे। सो गाइज, टाइम हो चुका है 12:10 और अभी मुझे कहीं बाहर जाना है। सो गाइज, आज का ब्लॉग करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।